वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम है ना क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13 के फॉर्मूले को, जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इस वीडियो के पार्ट वन में जो एरियाज़ होते हैं हमारे पास फिगर्स के, उन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मतलब जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर वन पे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे जो सारी साइड्स हैं उन सब का एरिया। क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसे ईंट होती है ना वैसा क्यूबॉइड होता है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 into में LB+BH+HL। इसका मतलब है 2 × में ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ ब्रैकेट क्लोज। सेकंड नंबर पे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का मतलब भी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि भाई सारी साइड्स इक्वल होते तो हमने क्या मान लिया, साइड्स को ए मान लिया। अब सारी साइड्स इक्वल होती है हमको तो पता चल गया, पर साइड्स कितनी होती है क्यूब की, 6 साइड होती है ना, इसलिए 6 × में ए का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालना है। अब इसमें ध्यान कीजिए, टोटल सरफेस एरिया नहीं दे रखा, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व का मतलब जो जैसे हमारे पास जैसे क्यूबॉइड है इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है, जैसे कि साइड का जो एरिया होता है, वैसे इसमें सिलेंडर में क्या होता है, जो मुड़ा हुआ कर्व हुआ जो साइड होती है ना उसका एरिया क्या होता है। इसमें ऊपर नीचे वाले वो बंद सर्कल्स नहीं है, इसमें सिर्फ साइड का एरिया निकालना है। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पर सिलेंडर, 2πRh। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी आएगा प्लस ऊपर नीचे के जो सर्कल है वो भी आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2πR×R+H। मतलब क्या है, 2πR का मतलब क्या होगा, रेडियस, रेडियस होता है जो, और h का मतलब है हाइट लेंथ। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कौन। अब एक कौन होता है ना उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब उसकी भी साइड्स होंगी, उस साइड्स का क्या सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो क्या आएगा उस सरफेस एरिया का, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना कौन का, उसका फॉर्मूला है πRL। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर है वो है रेडियस, पर यहाँ पे जो एल है वो है स्लैंट हाइट, जो कि टेढ़ी हाइट है, स्टैंड हाइट नहीं है ये, स्लैंट हाइट है। सिक्स नंबर पे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पे घबराना नहीं है हमको, राइट सर्कुलर कोन का मतलब है जो हाइट है, जो स्टैंड हाइट है, स्लेंट नहीं जो स्टैंड है, जो खड़ी हाइट है वो, और जो रेडियस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, इसका मतलब ये है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा एक कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πR ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहाँ पे जो एल है जैसे कि आपको पता है कि क्या है, एल स्लेंट हाइट, ठीक है, और जो आर है वो क्या है, रेडियस। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो आप 3.14 ही कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या लेनी है, 22%। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। मतलब यहाँ पे एक स्फेयर है जैसे बॉल होती है ना वैसा है, और उसका रेडियस क्या है, आर है उसका रेडियस, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4πR². यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, हमको रेडियस दे रखा है आर, ठीक है। एट्थ नंबर पे है कर्व सरफेस एरिया फिर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, जैसे कटोरी होती है ना हमारे पास, उस कटोरी का जो सरफेस एरिया होता है ना वो बताना है क्या होता है, तो कटोरी का सरफेस एरिया होगा 2πR², ठीक है। नाइन्थ नंबर पे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। एक जो हेमिस्फेयर होता है ना, जैसे कि तरबूज को हम काट देते हैं बीच में से तो वह कैसा बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है, तो उसका टोटल सरफेस क्या होएगा, जैसे हमने कटोरी का किया था, कटोरी में क्या होता है, ऊपर से जो है ओपन होता है, पर जो वाटर मेलन है उसमें क्या होता है, ऊपर से बंद होता है, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, πR² ऐड होएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये, 3πR². तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला जो कि आपको पता लग गया होगा। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो,
होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड बाय।